चुंबन चुंबन हम इसे फिर से कर सकते हैं, यह इतना छोटा क्यों है? मैं औसत हूँ, आप लोग ही बड़े हैं। आप लोग क्या आप अभी मेरी तुलना अपने पूर्व प्रेमियों से कर रहे हैं? मेरा यह मतलब नहीं था, मैं औसत आकार की बात कर रहा हूँ। यदि आप वॉशरूम जाते हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं। अब से सार्वजनिक वॉशरूम का उपयोग न करें। क्या वह अभी मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? हम इसे कब बांधने जा रहे हैं? उसका क्या मतलब है? चैरिटी इवेंट के दिन क्या आपने पहले भी इस स्थिति की कोशिश की है? बिल्कुल, कोई भी मुझे इस तरह से नहीं रोकेगा। ओह माय, आपने किस तरह के पुरुषों के साथ सोया है? जो आज्ञाकारी हैं और मेरी बात अच्छे से सुनते हैं। तो आपने ऐसा नहीं किया भले ही आपके दोनों हाथ खाली थे? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, है क्योंकि मैंने उनके हाथ बांध दिए थे उनके ऊपर आने से पहले। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको इस तरह से खेलने की जरूरत नहीं है, है क्या आप यह कह रहे हैं कि आप इसे मेरे साथ नहीं करेंगे? इसे दूसरों के साथ करने के बाद जो कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन आपको अभी भी याद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं इसे करूंगा लेकिन मुझे कुछ तैयारियां करनी है, मुझे कुछ चीजें खरीदने की जरूरत है। वैसे भी आप उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे जो मैंने दूसरे लोगों के साथ इस्तेमाल की है। तो हम इसे कब करेंगे? कल। मुझे इसे कुछ दिन और टाल देना चाहिए था, मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए इसका इंतजार मत करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दुनिया के ढहने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कीत को सिर पर हल्की चोट लगे ताकि पिछली रात की यादें मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि वह भी भूल जाए जो मैंने कुछ साल पहले कहा था। कीत, वह अचानक मेरे फोन पर क्यों कॉल कर रहा है? क्या तुमने अपना लंच कर लिया है? क्या सब कुछ ठीक है? कोई संभावना है कि तुम देर से आओगे? बिल्कुल नहीं, मैं अभी घर जाने से खुद को रोक नहीं सकता। दोपहर को मेरी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है, इसलिए तुमने यह जांचने के लिए फोन किया। नहीं, मैं अब बाहर जा चाहता हूँ। ठीक है, स्पेंसर के लिए झपकी लेने का समय हो गया है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बाद में देखूंगा। ऐसे समय में मैं मदद के लिए किससे संपर्क कर सकता हूँ? जोश, आप कैसे हैं? यह कुछ खास नहीं है, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो वयस्कों का सामान हो। ररर्फ, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे उस तरह का कोई शौक नहीं है। आप डेन को क्यों नहीं बुलाते? मुझे यकीन है कि वह अच्छी तरह जानता है डेन। अगर आप बदले में उसे कुछ खरीदने की पेशकश करते हैं तो वह आपकी मदद करेगा। तो मैं अभी फोन रख रहा हूँ, क्या इस तरह की किसी बात के लिए उसे कॉल करना सही है? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? डेन, लंबे समय बाद मिल रहे हैं। डेन, क्या आप ठीक थे? तो आप किस तरह के खेल के लिए हैं? आप जानते हैं रसिया, क्या आप वास्तव में पूरी रात ऐसा करने का इरादा रखते हैं? कुछ और भी तो करने को हो सकता है, या क्या पिटमैन आ जाएगा जैसे ही उसे बांध दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो मैं डेन से कुछ सामान की सिफारिश करने के लिए कहना चाहता था। इतना ही नहीं, मैंने बाहर निकल कर देखा लेकिन स्पेंसर पहले से ही सो चुका था। कीत कार्यालय की बैठक के बाद घर आया और कहा, चलो अब बेडरूम में चलते हैं। कीत ने अपने साथी को उठाया और चलते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति ने पहले कभी यह नहीं किया है, सही? दुनिया में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि कीत को बांध दिया जाए। कीत भी उस समय काफी अविश्वास में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था, भले ही मैं इसमें थोड़ा अनाड़ी हूँ, उसे पता नहीं चलेगा। पहले
सब कुछ उतारो और लेट जाओ। ठीक है, और एक पल रुको, मैं उसे बिस्तर पर बांधने के बाद तुरंत भाग जाना चाहूँगा, लेकिन परिणाम मेरे लिए संभालना बहुत ज्यादा होगा। मैं अब यह करने जा रहा हूँ। उसने कीथ के हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, लेकिन वह फिसल गई। उसने कहा, यह इसलिए क्योंकि यह काफी समय हो गया है। उसने सोचा, एक बार जब मैंने कीथ को बांध लिया तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन फिर क्या करूंगा? वह अचानक याद करता है कि वह वीडियो और पत्रिकाएं देखता था। इस बीच कीथ ने कहा, मैंने सोचा कि तुम मुझे भी बांधोगे। चलो पहले हथकड़ी हटाते हैं और फिर इसे बिस्तर पर बांधते हैं। लेकिन इसे कैसे बांधना चाहिए? क्या हमें कमरा बदलना चाहिए ताकि मैं उसे बांधने के लिए तकिए ला सकूं? कीथ ने कहा, मुझे लगता है कि तुम यह नहीं करना चाहते हो, तो तुम यह हथकड़ी हटा सकते हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि चाबी कहाँ है। उसने सोचा कि कीथ गुस्से में है और वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। कीथ ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? दूसरे व्यक्ति का नाम येनवू है और कीथ ने कहा, अगर तुम प्यार नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा येनवू, इसलिए आराम करो और आराम करो। फिर उसने बस उसे चूमा। येनवू सोचता है, अब कीथ मुझसे इस तरह खेलने के लिए कभी नहीं कहेगा। किसी कारण से मेरा दिल बेचैन महसूस कर रहा है। जब येनवू सुबह उठा तो उसे उम्मीद थी कि कीथ बिस्तर पर होगा, लेकिन कीथ वहां नहीं था। येनवू ने सोचा कि समय क्या हुआ है, और स्पेंसर ने दरवाजा खटखटाया और कहा, डैडी, क्या मैंने आपको जगा दिया? बटलर भी अंदर आया और पूछा, सर, आप कहाँ खाना चाहेंगे? क्या मैं इसे बेडरूम में लाऊं? येनवू सोच रहा था कि उसका पेट खाली है, इसलिए उसे भूख लग रही है। उसने बटलर से कहा, कोई बात नहीं, बस मुझे कुछ ब्लैक टी दे दो और साथ में पुडिंग भी लाना। खाने के बाद येनवू फिर से सो गया और स्पेंसर कहीं नहीं दिखा। येनवू ने सोचा, क्या हमने साथ में नहीं सोया था? अब मेरा बच्चा कहाँ गया? उसने ऊपर देखा और पाया कि कीथ अपनी कुर्सी पर बैठा था। कीथ ने येनवू से कहा कि उसने स्पेंसर को उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। कीथ ने पूछा, क्या तुमने अच्छी नींद ली येनवू? येनवू ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता था कि कीथ तुम घर आ गए हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा? कीथ ने कहा, कुछ खास नहीं। लेकिन जल्द ही कीथ ने पूछा, मुझे बताओ ये सब क्या है? उसने उसे कुछ किताबें दिखाई जो उस सामान की थी। अचानक येनवू को याद आया कि डेन ने उसे खिलौनों के बारे में पढ़ने के लिए किताब दी थी। क्या ये डेन द्वारा अनुशंसित पत्रिकाएं नहीं हैं? कीथ ने कहा, तुम इस तरह की पत्रिकाओं को खुले में कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि घर में और लोग भी रहते हैं? तुम्हें इसे छिपाना चाहिए। कीथ भ्रमित था क्योंकि येनवू यह सब पढ़ता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है। कीथ ने कहा, ऐसा नहीं है, है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता येनवू, तो फिर समस्या क्या है? येनवू सोच रहा था कि इसे कीथ को कैसे समझाया जाए कि चीजें इस तरह कैसे हो गई। येनवू ने कहा, मैंने कभी यह नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर येनवू ने कीथ को सच्चाई बताई कि उसने उससे झूठ बोला था। उसने कभी यह सब नहीं किया है और उसे नहीं पता कि प्यार कैसे करना है। जब उसने देखा कि कीथ उसके प्यार का इंतजार कर रहा है, तो उसने ये सब खिलौने खरीद लिए। कीथ ने पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने कभी किसी को नहीं बांधा? हाँ, मैंने कभी नहीं किया और मैंने कभी किसी और आदमी के साथ नहीं सोया, येनवू ने उत्तर दिया। और तुम मेरे पहले प्यार हो, कीथ ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा एक पूर्व प्रेमी था? येनवू ने कहा, मूर्ख, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। कीथ ने पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? येनवू ने जल्दी से कहा,
मैं डर गया था कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और मैंने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया है।